की माया के वशीभूत देव असुर ब्रह्मादि सब हैं, और यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत। आप देखें तुलसीदास जी कहते हैं रज्जौ यथा हेर भ्रमः, रस्सी में भी सर्प की भ्रांति होने लगती है। अच्छा यहां पे तो कहा भी, साथ में आगे जब भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद आएगा तब वहां पे भी झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहिचाने। वहां पर भी शंकर जी ने कहा रज्जौ यथा हे रब्रह्मः। और आगे फिर से कहते हैं, अच्छा शंकराचार्य जी ने भी यही कहा रज्जौ यथा हे रब्रह्मः। और अष्टावक्र गीता में भगवान श्री महर्षि अष्टावक्र जी भी कहते हैं यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत्। ये सभी अद्वैतवादी लोग एक जैसी बात कह रहे हैं। अच्छा और तो और शंकर जी और शंकराचार्य जी एक जैसी बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायणम, शंकर जी ही शंकराचार्य हैं। आगे कहते हैं यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम् बोधे सतीर्षावताम् वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम। ऐसे भगवान जिनके चरण कमल यत्पादप्लव मेकम एव हि, यत्पादप्लव एकम एव हि पार जाने के लिए भगवान शंकराचार्य जी की एक लघु पुस्तिका मणि रत्न माला, उसमें भी कहते हैं उनका एक शिष्य मंगलाचरण में उनसे पूछता है कि अपार संसार समुद्र मध्ये सम्मज्जितों में शरणम किमस्ति, इस अपार संसार समुद्र में हे प्रभु कृपया बताएं इस डूबते हुए जीव को क्या सहारा है। गुरु कृपालो कृपया वदये तद। यही कहा विश्वेश पादाम बुज दीर्घ नौका, भगवान के चरण कमल ही इस अपार भवसागर से पार जाने के लिए नौका के समान। फिर कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतन्यद्रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोपि। नाना पुराण निगमागम सम्मतम, जिस रामायण में नाना पुराण निगमागम सम्मत हैं, रामायणे निगदितम कुछ दन्यतोपि और कुछ अन्य भी, वही कथा स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। वही कथा स्वांत सुख के लिए मैं करने जा रहा हूँ। इसके बाद जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करि बर बदन रम करउ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मुख होय बाचाल श्री सीताराम मुख होय बाचाल पंगु चढ़ई गिरि बर गहन
जा सुकृपा सुदयाल, द्रवौ सकल कलिमल गहन, नील सरोरुह श्याम, श्री सीताराम नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, राम करौ सुमम उर धाम, सदा क्षीर सागर सयन। लौकिक भाषा में, लौकिक भाषा में वंदना श्री गणेश जी की। और ये श्री तुलसीदास जी की बड़ी कृपा है, किसी ने भले ही नारियल को फोड़कर गरी बांटने लगा हो कोई, तो वो गरी आई तो नारियल में से ही है। इसका अर्थ है ये जो प्रभाव है, महिमा तो संस्कृत की ही है, लेकिन लोक कल्याण के लिए उसी कथा का अनुवाद हिंदी में, देवनागरी में किया, ताकि सबको वह कथा सुलभ हो पाए। और एक संत ने तो कहा कि जेते तुलसी ने तारे, जितने लोगों को श्री तुलसीदास जी ने तार दिया, जितने लोगों का, यमराज ने दूतों से कहा कि कुछ करो, बैठे क्यों फ्री, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ ना हो, कुछ तो उपयुक्त करो, तन को नर हो न निराश करो मन को। यमराज ने कहा बैठे क्यों हो, तो बोले क्या करें, कोई है ही नहीं अंदर तो जिसको सजा देवे। यमराज ने कहा सब गए कहाँ, सब गए कहाँ, दूत कहें यमराज सुनो, तू लोक की लाज गई बरे आई, जानत ते नहीं को कहूं जो कथा कवि आदि महेश बनाई, और सो तुलसी सद्भाव भरी, और करी नागरी में नर नारिन गाई, और आप गयो और गयो जग को, गौलोक की गैल गहाए गुसाए, खुद तो वैकुंठ चले ही गए, लोगों को भी ले गए अपने संग। तो भाषा निबंध मति मंजुल मातन मति, इसीलिए अच्छा। और ग्रंथ तो देवनागरी अवधि में है, लेकिन संस्कृत भाषा का पूरा सम्मान, इसीलिए हर एक कांड के पहले, हर एक खंड के पहले संस्कृत में वंदना, ताकि भाषा का भी सम्मान हो।